गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सर मैं तो बढ़िया हूँ। बाकी का पता नहीं है? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आर्यन ठाके। यस सर। सर जी, बारहवीं आ रही है, ऑनलाइन क्लास लगा के टाइम में लगा गेम कहाँ लग गया है सर जी? मेरा बैंड भी बारहवीं में, लेकिन मैसेज को नहीं आया ग्रुप पर। आर्ट में कि साइंस में? सर जी बात है आर्ट में। आर्ट आ रहा है, कौन लग गया? अभी सिर्फ साइंस की लगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। टाइम टेबल देख लिया करो ना, टाइम टेबल जो भेजा होता है बस उसके हिसाब से लगती है क्लास। सर हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई आपकी? अरे भैया ऐसे लड़ाई ना करो। चलो एक बार सारे अपने अपने कैमरे ऑन करो, देखें कौन आ गया है। हाँ जी बाकी लोग नहा के नहीं आए क्या, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे?
आर्यन तो नाता है नहीं, आर्यन तो बड़ी मुश्किल से उठ पाता है। हम्बा सर जी, हम्बा की मन की रोज ना हूँ। क्रिस को पूछ लो, क्रिस नहीं तो नाता है नहीं। क्रिस तो तीन चार दिन वहां आए हुए क्लास में ही। नहीं नहा क्या आया कि नहीं नहा क्या है वो तो बता सकता है, वो बता ही रहा क्रिस। ये देख क्रिश नहीं ना क्या ना, ये चलिए कर लीजिए बंद। सर मैम काम पर है भैया, मैम तो बेरो को निकट है। आ गए मैडम थारे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए अपने ना कैमरे सारे बंद कर लो क्योंकि इंटरनेट ना फिर थोड़ा सा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर, बोलना हो तो माइक ऑन कर लेना, तब तक के लिए कैमरे सारे ऑफ कर लो, अपने को जरूरत नहीं है कैमरों की, होंगी तो मैं बता दूंगा। तो बेटा ये हमारे टीम, जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, हमने इसका मीनिंग भी पढ़ा था कि सम नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे नेचर ही करती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ठीक है, हमने यही चीज पढ़ी थी कल। और जो अब हमने उसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, हमारे कुछ टॉपिक्स थे लाइटनिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शंस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। सो एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली उसमें पढ़ा क्या था, ठीक है। तो हमने लाइटनिंग पढ़ा था, बेटा कोई मुझे लाइटनिंग का मीनिंग बता सकता है? मैम तड़ित। ठीक है उसका तड़ित। हाँ जी आप, हाँ जी गुड, आप उसको कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ देखते हैं, कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताइए मैम, तो कहते हैं मैम कोई बिजली, मैम कोई बिजली का तार हो वहाँ पे, थोड़ा छोटा कट हो तो वहाँ पे बिजली दिखाई देती है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आपने एक नाम सुना है थंडर, थंडर नेम सुना है किसी ने? यस मैम। पता है इसका मतलब क्या होता है? मैम तूफान। तूफान ठीक है कह सकते हैं। और बताओ कुछ नहीं पता? ठीक है देखो, अब लाइटनिंग और थंडर दो ये दो चीजें हैं अलग अलग, पर ये दोनों साथ होती हैं। कैसे, कब होती हैं ये? आपने देखा है कभी जब बिजली कड़कती है तो उसके साथ में एक आवाज भी आती है, सुना है कभी वो आवाज? सुनिए। यस मैम। मैम हाँ जी, वो बोलते हैं हम थंडर। पर बिजली पहले कड़क जाती है और आवाज थोड़ी एक मतलब थोड़ी सी लेट आती है, ठीक है, 10-15 seconds हमें वो लेट सुनाई देती है। अब हमें पहले बिजली दिखेगी कड़कती हुई, ठीक है, उसके बाद वो उसकी आवाज आएगी। ऐसा क्यों होता है, ये लेट क्यों होता है पता है? मैम लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। वेरी गुड, लाइट की स्पीड जो होती है वो हाई होती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, सबको पता है इस चीज का?
यस मैम मैम ठीक है। अब मैंने अब हमने कल बुक में पढ़ा था कि जो पहले के लोग होते थे वो ये मानते थे कि जो जब ये बिजली कड़कती है ना तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं। हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कल, ठीक है, पर ऐसा हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। तो उस साइंटिफिक रीजन को जानने वाले इंसान का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, कब बताया था? 1752। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सबको याद है ये सब चीजें, ठीक है। अब बेटा देखो, ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, जितने भी ये वाले नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, स्पेशली हम बात करें लाइटनिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप, जितनी भी चीजें लाइटनिंग से रिलेटेड होंगी, उन सबका रीजन सिर्फ एक होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। निकल यही पड़ा कि कहीं पे भी अगर हम लाइटनिंग, स्पार्क या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां क्या हो रहा था? चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर चार्ज प्रोड्यूस होंगे तभी ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। सबका एक ही रीजन है। क्या रीजन है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। दो जो अपोजिट चार्जेस है जो वो मिलेंगे तो वो होगा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इतना आया सबको समझ में? ये बहुत बेसिक चीज थी जो हमने कल बहुत शॉर्ट में पढ़ी थी, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। नो मैम। अब बेटा देखो, ठीक है, अब एक एक बात सुनो। अब आपने मेरे को बोला कि मैम जो सॉकेट होती है लाइट, कभी कभी सॉकेट में भी स्पार्क्स होते हैं। सॉकेट मतलब जो आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, जब आप उनमें, मैंने आपको बताया भी था कि आप जब उनमें वायर या फिर कोई भी दूसरा प्लग लगाते हो, कभी कभी हमें स्पार्क देखने के लिए मिलता है, कभी कभी हमें चिंगारी देखने के लिए मिलती है। तो वो मतलब वो तो ठीक है, क्या हम उसे लाइटनिंग कह सकते हैं बेटा? बताओ, जो वो छोटा सा स्पार्क है, क्या हम उसे लाइटनिंग कह सकते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, उसे लाइटनिंग नहीं कहेंगे, वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क तो सारे ही है, बट वो एक स्मॉल अमाउंट पे है, ठीक है, वो बहुत छोटे से अमाउंट पे। बट लाइटनिंग जो है, जो लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं बेटा, वो एक बहुत बड़े स्केल पे है। स्केल मतलब कि वो एक मतलब ज्यादा अमाउंट में है वो, ठीक है। कोई चीज इतनी छोटी है, कोई चीज इतनी बड़ी है, तो सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब अगर वो हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में दिखता है, then it is small spark, ठीक है। But जब वही spark हमारा बड़े रूप में आ जाए, जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर के आसपास सभी के घर के पास होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल मतलब होता है कि खंबे जो होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, सब में देखे हैं अपने घर के आसपास, सबके पास yes, होते हैं। yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें कभी आपने मतलब spark होते हुए देखा है? कितनी तेज spark होता है वो, कितने लार्ज अमाउंट में होता है, होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो वायर्स जब हमारी लूज हो जाती हैं, हमने कल पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में था वो हमारे चैप्टर के, कि जब हम जब स्पेशली जब हमारी विंड चलती है, मतलब जब हवा चलती है, तो जो वायर्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, है ना। तो जब वायर्स लूज हो जाती हैं और जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो क्या करती हैं, वो स्पार्क हो जाता है, ठीक है। ये हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। इतना आया सबको समझ? यस मैम। किसी को? यस मैम। नो मैम। ठीक है। अब हमने आपको एक चीज ये और बताई थी बेटा कि जब आप अपने स्पेशली वुलन क्लोथ्स को रिमूव करते हो, ठीक है, स्पेशली जब आपका रूम में अंधेरा हो, ठीक, तब क्या होता है, यू ऑब्जर्व अ साउंड, आप एक साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे स्पार्क्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, देखा है, सबने बताया था मेरे को, यस मैम हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, एक छोटे स्पार्क का, ठीक है बेटा। वो क्यों होता है? देखो, आपकी जो बॉडी है ना, वो चार्ज्ड होती है, ठीक है ना, और बॉडी
बॉडी के ऊपर अगर आप कोई वुलन क्लोथ या फिर कुछ भी पहनोगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है, ठीक है। और जब आप उनको रिमूव करते हो ना तो वो एक दूसरे से दूर जाते, मतलब एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो हमारा वो करंट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक आया सबको समझ? Yes, ma'am. अब हम आते हैं अपने, ठीक है, लाइटनिंग का मतलब हमने सबने जान लिया। अब हम आएंगे अपनी दूसरी चीज पे, हमारी दूसरी टॉपिक का नाम क्या था, चार्जिंग बाय रबिंग। तो बेटा चार्जिंग बाय रबिंग में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। पहला एग्जांपल तो यही था कि जब आप अपना जो कॉम्ब है, सॉरी अपना जो स्केल है, एक जो स्केल होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जब आप उसको अपने हेयर्स पे लगाते हो, ठीक है, ऐसे रब करते हो, उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के चार्जेस आ जाते हैं, किसके अंदर, स्केल के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, जब आप छोटे पीसेस ऑफ पेपर को उठाते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो आ जाते हैं उसके ऊपर, आ जाते हैं ना, उठ जाते हैं ना, तो वो किस वजह से होता है, वहां पे क्या हो रहा है, चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एक जो चार्ज बॉडी है वो दूसरी बॉडी को खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया था, बट आपका जो बुक है उसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे आपके पास एक था बलून्स का एग्जाम्पल था, ठीक है, उसके बाद रिफिल का एग्जाम्पल था, ठीक है, हाँ जी खाली रिफिल का एग्जाम्पल था, है ना। तो तीन एग्जाम्पल्स थे, तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या थे, ठीक है। पहले था कि अगर आपने दो बलून है, ठीक है, उनको फुला लिया, ठीक, इन्फ्लेट का मतलब होता है कि बलून्स को फुलाना, ठीक। अगर आपने दो बलून्स को फुला लिया और उसके बाद उनको रब किया विद अ वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ के साथ क्या किया उसने, आपने उनको रब किया, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए, ठीक है, ओके। अब अगर आप उनको पास लेके आओगे तो बेटा वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पता है क्यों? यस मैम, बताइए मैम। वो सेम चार्जेस होते हैं ना, वो दूर जाते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे हमारी दूसरी चीज आएगी, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या होते हैं बेटा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइक दूर जाए चार्जेस हो गए, बंद कर दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। और अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, और ये दोनों क्या करेंगे बेटा आपस में, रिपेल करेंगे, ठीक है। इतना आया सबको समझ? अब ऐसी हमने दो रिफिल ली थी कल, ठीक है, अब दो रिफिल का क्या करा था हमने, उनको एक पॉलिथिन से रब किया, ठीक है, और हम उनको पास लेके आ रहे हैं, तो बेटा हमने उन्हें एक जार में रखा था, ठीक है, और हम एक दोनों को चार्ज करके एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें हमने सेम मटेरियल से चार्ज किया है, ठीक, आया इतना समझ। अब हमने थर्ड एक एक्टिविटी और पढ़ी थी, थर्ड एक्टिविटी क्या थी कि हमने एक बलून लिया, उसको बलून क्लॉथ के साथ रख दिया, और एक खाली रिफिल ली, ब्लैंक रिफिल ली, उसको हमने पॉलिथीन के साथ रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो एक तरफ बलून है एक तरफ रिफिल है, दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट है, बट जो उनकी चार्जिंग कहाँ से आई है, एक की आई है वुलन क्लोथ से और एक की आई है पॉलिथीन से, तो जो दोनों मटेरियल्स यूज हुए, हाँ, तो ये जो दोनों मटेरियल्स यूज हुए हैं ये कैसे मटेरियल्स हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो इनके पास क्या होगा, डिफरेंट चार्जेस आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमें पता है डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, ओके मैम, हाँ जी आया सब कुछ। किसी को अभी तक कोई भी डाउट है? नो मैम।
एक चीज और, हमारे पास आती है एक चीज की करंट क्या होता है, ठीक है? जब हमारे जो चार्जेस है ना बेटा वो मूव करते हैं, ठीक है? जब हमारे चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं करंट, ठीक है? आया समझ में? जैसे हमारे अब एक वायर है, वायर के अंदर जब हम प्लग ऑन करते हैं तो हमारे जो चार्जेस है वो मूव करने लग जाते हैं एकदम से, ठीक है? मूव करते हैं तो उससे क्या आता है, हमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो हम क्या है, करंट है, ठीक है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। ओके, अब एक चीज और पढ़ते हैं हम। अब हमारे पास एक तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब आएगा एक चीज स्टैटिक चार्ज। वर्ड का मीनिंग पता है किसी को स्टैटिक चार्ज का? रुका हुआ चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, ठीक है? जो चार्ज रुका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। अब देखो बेटा प्लीज सभी अपने माइक ऑफ कर लो, बातें कोई नहीं करो, ठीक है? सुनो, देखो जो हमारे जैसे अब मैं आपको एक इससे एग्जांपल बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब हमारे पास एक ब्लैंकेट है, वो फोल्डेड ब्लैंकेट है, ठीक है? बेटा प्लीज कोई बात मत करो क्लास में, ठीक है? आपके पास एक ब्लैंकेट है, वो फोल्डेड है, ठीक है? और अगर आप उसको ओपन करके ऐसे झटकोगे तो क्या होगा, जो हमारे चार्जेस हैं, जो हमारे स्टैटिक चार्जेस हैं, वो मूव करने लग जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है हमें उससे करंट प्रोड्यूस होगा, नो, उससे हमें छोटे छोटे स्पार्क्स आएंगे। और जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है ना, उससे हमें स्पार्क्स आते हैं, ठीक है? इतनी यही बात सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलें अब? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे दो तीन चीजें हो गई हैं। हमने लाइटनिंग सुन लिया क्या होता है, चार्जिंग बाय रबिंग देख लिया हमने, और टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शंस देख लिया, ठीक है? अब किसी को अभी तक बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। देख लो एक बार हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग पढ़ लिया हमने क्या होता है। फिर हमने पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, ठीक है? और हम एक चार्ज बॉडी से हम एक चार्ज बॉडी को और दूसरी चार्ज बॉडी को कैसे पास और दूर लेके जाते हैं, ठीक है? अब हम एक चीज ये पढ़ेंगे बेटा, हमारे पास इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आएगी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब समझो पहले, ट्रांसफर का मतलब पता है किसी को? मैम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वेरी गुड, हाँ जी। अब सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है? अब ए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ज है, ठीक? और आपके पास जो ऑब्जेक्ट बी है वो क्या है, अनचार्ज्ड है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है, चार्ज्ड है, और जो ऑब्जेक्ट बी है आपके पास वो है अनचार्ज्ड, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में हम क्या करते हैं कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ना उसके जो चार्जेस हैं उसे हम दे, सॉरी वेट 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 वेट, हाँ जी, तो हाँ जी, तो जो हमारे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं हम उससे चार्जेस ट्रांसफर करते हैं एक अनचार्ज बॉडी में, ठीक है? ओके ओके मैम, आ रहा है सबको समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके गुड।
देखो अब हमारा यहाँ पे जो जो चार्ज बॉडी है उससे हमारे जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, अनचार्ज बॉडी में। तो बेटा इसको हम बोलते हैं कि हमने एक चार्ज बॉडी में से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर किया किसको, चार्जेस को। हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अब बेटा ये ऐसे ही तो होगा नहीं ट्रांसफर, सबको पता है ना। अब इस ट्रांसफर को सुनने के लिए, हमारे समझने के लिए हमारे पास एक चीज आती है, आपके बुक में भी है वो, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना, पहले तो आपको ये एक चीज बताता है कि आपकी जो बॉडी है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको बताता है, वो दूसरी चीज क्या करता है, ये चार्ज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप आखिरकार है क्या। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रोसेस है, एक ऑब्जेक्ट, एक हमारी डिवाइस है, ठीक है, जिससे ये सब चीजें पता चलती हैं। तो चलो अब हम उस डिवाइस को देखते हैं वो क्या है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? लेट मी नो। नो मैम। नो मैम। ओके ओके, ठीक, डन। सपोज ये आपके पास क्या है, एक जार है। ठीक है, आपने कोई भी एक जैम का या फिर किसी भी चीज का एक ग्लास वाला जार ले लिया। ठीक है, ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कांच का लेना है आपको। ठीक है, ओके। और इसके ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड से कवरिंग कर दी। क्या लिया आपने, एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब गत्ता ले लिया। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। ठीक, ओके, मिड में आपने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। और उसके अंदर आपने, जी बेटा दोबारा बोलो मैम, ये कार्डबोर्ड क्या होता है, आवाज नहीं आ रही। कार्डबोर्ड बताया कि गत्ता, गत्ता आपने कार्टन सुना है, जैसे जो आपके घर पे सामान आता है तो ऑब्वियसली बात है, एक अमेज़न से जो रुको, जो हम अमेज़न से पार्सल मंगाते हैं वो एक डब्बे में आता है, आपने देखा है वो डब्बा, वो गत्ते का होता है, उसे ही बोलते हैं हम कार्डबोर्ड, उसे हम बोलते हैं कार्डबोर्ड गत्ता। ठीक है, यस मैम, आप आज तक जी जी, ओके, कोई बात नहीं बेटा। अब आपने इसके अंदर दो स्ट्रिप्स ले ली। क्या ले ली, दो स्ट्रिप्स ले ली। ये स्ट्रिप्स किस चीज की है बेटा, एल्यूमिनियम की है। फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, आया सबको समझ इतना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके, अब देखो जी बेटा, देखो एल्यूमिनियम फॉइल मतलब हो गया कि रुको, आपके घर में जब मम्मी टिफिन बांध के देती हैं आपको तो उसमें एक सिल्वर पेपर लगा के देती हैं, सबने देखा है वो सिल्वर पेपर। यस मैम, हाँ जी, तो वो फॉइल पेपर होता है। फॉइल मतलब होता है कि थिन लेयर, वेरी 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 थिन लेयर। ठीक है, ओके बेटा, प्लीज सब शांत रखो। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जिस चीज से हमने हैंग किया है ना इसको, ये एक मेटल की चीज है, कोई भी एक मेटल हो सकता है। ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है, एक मेटल से बना हुआ है। ठीक है, आया समझ। अब हम इसके पास लेके आए हैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या लेके आए हैं हम इसके पास, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए हैं, और हमने क्या किया, इसको टच किया, इससे क्या किया हमने, इसको
टच किया, किससे? मेटल से, ठीक है। अब मेटल क्या करेगा, उसके जो चार्जेस हैं, किसके? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के, ये अपने पास ट्रांसफर कर लेगा। ये जो इसके चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के चार्जेस होंगे, ये क्या होंगे? मेटल पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो मेटल है वो किससे कनेक्टेड है? एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स से। जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हैं, उससे क्या है, ये अटैच्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से मेटल आया है, चार्ज ऑब्जेक्ट से जो ये मेटल पे चार्जेस आए हैं, वो किस पे जाएंगे? डायरेक्ट फॉइल पे जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फॉइल वाला, ये जो फॉइल है, ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? जल्दी से बताओ, कौन बता रहा? रिपेल। रिपेल करेगी, ओके। और कोई? रिपेल। अच्छा, अब मुझे बेटा जी, प्लीज आप लोग बात मत करिए, ठीक है। अरविंद बेटा, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। अब मुझे इस रिपल का आंसर देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा, ठीक है, सपना आप बताइए बेटा कि बेटा ये रिपल को करे। अभी मैं आप थोड़ी देर पहले इसका रीजन बताया था। सपना, आर यू इन द क्लास बेटा? सपना सुन रहे हो मेरे को? अच्छा, बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, गुड, ठीक है। तो इसका आंसर अब मुझे कौन देने वाला है? नेक्स्ट है आर्यन। आर्यन बेटा, मुझे इसका आंसर दीजिए कि ये दोनों रिपल क्यों करेंगे, व्हाई? सपना जस्ट लेफ्ट द क्लास, ओह माय गॉड। आर्यन बेटा, आर्यन आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए वादी, मैं नेम लिख रही हूँ अपने पास कि किस किस ने मेरा आंसर नहीं दिया है। मैम आवाज मैम दोबारा बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही। जिसको पता है वो मेरे को आंसर। क्या हुआ बेटा? तो मैम क्योंकि बेटा आप मेरे को बताइए कि ये जो दोनों फॉइल वाली, मैम दोबारा बोल। सपना आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? नो मैम। यस मैम, कट कट के आ रही। चलो रुको एक मिनट, मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ, एक मिनट को वेट। मेरी यस मैम, ठीक है, क्लियर है ना सब? हाँ जी, 5 मिनट रह गए, अटेंडेंस लगवा लो अपनी, फिर देखते हैं कुछ आगे का।
हाँ जी, आठवीं ए वालों अटेंडेंस बोलो फटाफट, रोल नंबर एक, दो, यस सर, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, यस सर, नौ, यस सर, दस, यस सर, ग्यारह, कुमकुम कुलरिया नहीं है, बारह, मैं हूँ सर, ग्यारह है, यस सर, नहीं सर, नहीं, ठीक है, बारह, तेरह, यस सर, सत्रह, चौदह, पंद्रह, सोलह, नाम प्लीज, सत्रह सर, अठारह, उन्नीस, यस सर, बीस, यस सर, इक्कीस, बाईस, यस सर, तेईस, यस सर, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, यस सर, सत्ताईस, अट्ठाईस, अट्ठाईस है के, उनतीस, तीस, यस सर, इकतीस, यस सर, इकतीस, बत्तीस, गॉसिपिंग मत करो प्लीज, तैतीस, यस सर, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, आज इतने सारे बच्चे, हाँ जी, आठवीं ए वालों सभी लीव करो मीटिंग फटाफट, सिर्फ आठवीं बी वाले बचने चाहिए क्लास में, कौन है भाई ये बच्चा कौन है? हाँ जी बोलो फटाफट बोलो रे, एक, दो, यस सर, दीक्षा है, दो, यस सर, तीन, और मीटिंग एंड हो जाए ना तो दोबारा ज्वाइन कर लेना वरना मैं एब्सेंट लगा दूंगा सबकी। हाँ जी, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस,